दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने प्रशासनिक भवन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने मुख्यमंत्री को पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पावन जयंती है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 7 वर्ष में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। कहीं ना कहीं इन योजनाओं के अंतःकरण की प्रेरणा पंडित दीनदयाल के विचारों से उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसको केंद्रित करते हुए होनी चाहिए। भाजपा सरकार में उनका सपना साकार हो रहा है। जब हर गरीब को आवास, शौचालय, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, स्वास्थ्य के लिए हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का कवर दिया जा रहा है, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति का चेहरा, जाति, मजहब या भाषा देखकर नहीं किया जा रहा है। अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करते हुए उसे योजना से जोड़कर खुशहाली लाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से लोक कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान जो कार्य सरकार की ओर से किए गए हैं उसने पूरी दुनिया के सामने सरकार का लोक कल्याणकारी चेहरा प्रस्तुत किया है। अब तक महामारी के अलावा भूख से मौत होती थी, एक लोक कल्याणकारी सरकार अपनी मानवीय संवेदना को जनमानस के लिए किस प्रकार प्रकट करती है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वर्ष 2020 में 8 महीने तक फ्री राशन लोगों को मुहैया कराया गया है, जिससे 80 करोड़ की जनता लाभान्वित हुई है। वर्तमान में भी मई से लेकर नवंबर तक फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है, यानी 24 महीने में 15 महीने मुफ्त राशन सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 1950 में पंडित दीनदयाल जी ने जिस भारत का अपने शब्दों में वर्णन किया था, 7 दशक के बाद सरकार पंडित दीनदयाल जी के संकल्प को साकार कर रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी मजबूत कर रही है। सरकार ने आज पंडित जी की जयंती पर एक गरीब कल्याण मेला, आरोग्य मेला, दिव्यांगजनों के लिए मेला, कृषि उपकरण के वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया है। आज के यह कार्यक्रम भी महामानव पंडित दीनदयाल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष व पूर्व मेयर अंजू चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य शिक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, गाड़ी धोई नहीं लग रहा है, तो मेरे मंदिर का पानी नहीं है, मंदिर हो गई थोड़ा सा। सब लोग आ रहे हैं, फ्री में सब लोग आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। करो क्या महाराज जी, बस एक ही पे महाराज जी सर सब। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की
पवन जयंती है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई हैं, कहीं ना कहीं अंतःकरण में उसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसको केंद्रित करते हुए होना चाहिए। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना साकार हो रहा है। जब हर गरीब को आवास की सुविधा हो रही है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में LPG के कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जब हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत के अंदर, ऐसी अनेक योजनाएं जिन योजनाओं से किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र या उसकी भाषा देख करके नहीं, बल्कि अंत्योदय के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे इन योजनाओं के साथ जोड़ करके उसके जीवन में खुशहाली लाने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, आज उसी की देन है कि दुनिया के अंदर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, जिस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के उस मानवीय चेहरे को इसने दुनिया के सामने रखा है। अब तक का ये उदाहरण है कि किसी भी प्रकार की महामारी से मौतें बीमारी से तो होती थी, लेकिन बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें होती थी। एक लोक कल्याणकारी सरकार अपनी मानवीय संवेदना को अपने जनमानस के प्रति किस प्रकार से व्यक्त करती है। 2020 में 8 महीने तक देश के हर नागरिक को फ्री में राशन देने की व्यवस्था, जिसमें 80 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हुए, और वर्तमान में मई से लेकर के नवंबर तक फ्री में राशन देने की व्यवस्था फिर से प्रारंभ हुई है। 24 महीनों में 15 महीने फ्री में राशन, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह सरकार का वह मानवीय चेहरा है जिसे 1950 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की सरकार को झकझोरने के लिए, उस समय भारत की स्थिति का उन्होंने जिन शब्दों से वर्णन किया था, हो सकता है कि उस समय की सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वक्तव्यों को गंभीरता से न ली हो, लेकिन आज़ादी के 7 दशक के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का
और संकल्प और वह सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर विकास खंड स्तर पर एक गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया है। इस गरीब कल्याण मेले में आरोग्य मेला भी है, दिव्यांग जनों के उपकरण वितरण का भी कार्यक्रम है, वहां पर कृषि से संबंधित उपकरणों के वितरण का भी कार्यक्रम है और प्रत्येक नागरिक के जीवन में शासन की उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस विभाग से और कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण केंद्र गरीब कल्याण मेला बनेगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर इस मेहमानों के प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब ने कार्यक्रम यहां पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के इस प्रांगण में आयोजन किया, महानगर इकाई को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस अवसर पर मैं भी सबको बधाई देता हूँ और मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग पंडित दीनदयाल जी के मूल्यों का पालन करें, उस पर चलें और उस पर चलें। अभी जो हम लोग पहले से 22 तारीख से ही, चूँकि हमारे यहाँ शोधपीठ है और शोधपीठ के अंतर्गत हम लोग 22 तारीख से ही कार्यक्रम कर रहे हैं। 22 को एक कार्यक्रम था, 23 को एक कार्यक्रम था, 24 को और आज अंतिम दिन में है। आज शिव प्रकाश जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अनिल जी क्षेत्र प्रचारक, सुभाष जी प्रांत प्रचारक और विधायक भी यहाँ के रहेंगे उसमें और कई लोग अन्य गण लोग रहेंगे उस प्रोग्राम में। तो वो हमारा ये सिलसिला चल ही रहा था तो कल फोन आया कि मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो हमने इस चीज़ की व्यवस्था बनाई और उसको माल्यार्पण हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय है जिसने 2 क्रेडिट का कोर्स बनाया और जो कि सभी विद्यार्थी जो भी दीनदयाल उपाध्याय उसमें बैठेंगे उनका उनको करना पड़ेगा। वो दीनदयाल उपाध्याय जी पे जो भी विद्यार्थी यहाँ से पास होगा वो 2 क्रेडिट का कोर्स करेगा और एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो कि गांधी जी वर्सेस राम मनोहर लोहिया जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों पर ये कोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि विचार सभी के एक ही थे, कैसे सोशल डेवलपमेंट हो, कैसे जो लोग गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको कैसे मतलब ऊपर उठाया जाए, लगभग सभी तो उसका एक कंपैरिजन होगा। जो भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी से आते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही था, तो उस पर भी एक कोर्स स्टार्ट किया है और आज इसका कंक्लूडिंग सेशन है। 3 बजे से इसकी प्रोग्राम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ भी आइए।